जांच होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भारत में कुछ लोग अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं और निश्चित रूप से इस पर एक विशेष लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन उस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, क्या इसके पीछे का कारण? बिना जांच के, बिना उसके जांच हो रहा है, उसमें जो दोषी पाए जाएंगे समय आने पर कार्रवाई। मंत्री जी, प्रभारी मंत्री था, दलितों के लिए दलितों के नाम पर पार्टी बनाई, लेकिन उनके चंगो मंगू तो हीरो हो गए, गांव का दलित हीरो हो गया। अगर उत्तर प्रदेश में चार बार सरकार थी और चार बार में अगर दलितों के हितों की रक्षा हुई होती, उनके लिए कोई कानून बने होते, उनके लिए नीति बनी होती, उनके विकास शिक्षा के लिए कोई विशेष काम हुआ होता, शायद दलितों की आज दशा नहीं होती। दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ हमारी सरकार खड़ी है और आगे भी रहेगी। बलिया में फिर एक बार चुनाव के लिए सहयोग करने के लिए आए हैं, चुनाव सहयोग करेंगे। हमारे लिए तो और अच्छा, कम से कम दो जिले की जगह एक जिला, हमें कम समय खर्च करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा और कम से कम उसी बहाने में पार्टी में और ज्यादा काम सब करने का संभव। धन्यवाद। मैं तो यही कहूंगा कि बयानबाजी, विपक्ष के पास बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं है। अगर ये लोग लंदन जाते हैं और विदेश जाते हैं तो क्या पढ़ने जाते हैं, किस काम में जाते हैं? उनका तो पूरा इतिहास रहा है, उनके जो परिवार के लोगों का अगर इतिहास देखा तो ढेर सारे ऐसे वीडियोज हैं, वो किसमें शामिल रहे हैं। तो ऐसा होता है, जो जिसमें शामिल होता है वो सोचता है कि दूसरा भी वैसे मुस्लिम पता चला था। पट्टे धारक है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हमारे यहाँ राजस्व संहिता 2016 है कि जो मछुआरों को प्राथमिकता होनी चाहिए पोखर में, लेकिन यहाँ कुछ अनियमितताएं हैं। मुख्यमंत्री जो पोखरे के पट्टे भी दूसरे को दे दिए गए, मुख्यमंत्री के संपदा, मुख्यमंत्री का जो पैसा था मुख्यमंत्री संपदा योजना में कि पट्टेधारक को मदद किया जाए और वो मछली पालन करे, तो उसको भी इन्होंने उन्हीं लोगों को दे दिया जिनको गलत ढंग से पट्टे भी जांच लिखा हूँ ऐसे लोगों के खिलाफ। ये तो भ्रष्टाचार की सीमा निश्चित रूप से है। और यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था है कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो भी मत्स्य पालन करे, और मत्स्य पालन के लिए हम किसान पहले भाई किसान खेती है वो कर लेता था, जबकि मछली बेचने वाले घर नहीं है, द्वार नहीं है, तो ऐसे मत्स्य पालकों के लिए उसमें व्यवस्था दी गई थी कि अगर वो आवेदन करता है मत्स्य क्षेत्र में कोई भी है तो RBI से गाइडलाइन है, किसान क्रेडिट कार्ड उसे मिल जाए। लेकिन यहाँ लगभग किसान क्रेडिट कार्ड 2300 लोगों ने जमा तो किया, लेकिन उसमें से 168 ही मिला हुआ, तो उनकी प्रगति की से कुछ लोगों को खुश करने के लिए कि हमारा बेस वोट है वो खसक गया है और भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के सभी जाति धर्म को मकान, खाना, इलाज और उनको दे रही योजनाओं के माध्यम से, तो मुसलमान भी अब योजनाओं का लाभ लेकर उनसे दूर हो रहा था। अब वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि भाई गरीबी बहुत हो गई, कांग्रेस के समय लोगों ने वोट तो दिया लेकिन अब दंगा फसाद नहीं हो रहा है, अब उनका झंडा उठाने के लिए तैयार नहीं है मुसलमान, इसलिए मुसलमान खुश हो जाए, इसके लिए तरह तरह का बयान। मायावती ने ट्वीट किया है, मछुआ दुर्घटना बीमा की व्यवस्था दी गई है कि जिससे कि कोई भी मछुआरा बीमा करा लेगा तो अगर कोई परेशानी अपंग हो जाता तो 2.5 लाख, अगर लेकिन 7000 में बहुत कम लोगों को बटे हैं, तो अभी निर्देश दिया उनको बंटवा दें और उनको पुलिस विभाग के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि हर जगह दे दूँ कि कभी एक्सीडेंट होता है तो चेक कर ले तो उसका बीमा तो सब पैसा दिला। योजनाओं में जो लापरवाही बरत रहे हैं अधिकारी, उनके इनके खिलाफ अभी जांच लिखा हूँ और जांच में तो उससे पाया जा रहा है, उससे कहीं कार्रवाई होगी, अगर गलत दिया तो उनके खिलाफ वसूली भी की जाएगी। अच्छा, किस तरह से जाँच किया? अभी मैंने धार्मिक स्थान है और यहाँ नाविकों के हितों के लिए सरकार खड़ी है, अभी मैंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वो नागरिकों का शोषण न हो, और बल्कि नागरिकों के नाव भी हम देते हैं निषाद राज वोट योजना में, अपनी नाव ले लें और चलाए, जैकेट भी दे रहे हैं और उनकी नाव ठीक ढंग से चले, और जो उसके नाविक हैं जो उनका पैसा उचित बनता है उसको कोई भी उसके अंदर कोई बिचौलिया उनके पैसे पर नकारने डाले, इसके लिए हमने निर्देश दिया। किस तरह से शोषण हो रहा है? निश्चित रूप से नाविक दिन भर चलाता है और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने दबंगई से उसका पैसा ले लेते हैं, वो गरीब आदमी कुछ ही पैसा लेके घर जा पाता है, तो ऐसे लोगों ने कुछ ऐसे लोग हैं जो विपक्षियों से मिलकर मतलब नाविकों को नाराज कर रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हो और चाहे कोई दो चार ऐसे हैं कि जो निषादों को नाराज करके चाहते हैं कि जब निषाद नाराज रहेगा तो सरकार के साथ नहीं रहेगा, इसका